केन्द्र गृहमंत्री अमित शाह इंडिमेंट को टार्गेट करिछंती। जदि इंडिमेंट क्षमता को आसे तबे किए प्रधानमंत्री हेबो बोली से कटाक्ष करिछंती। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी नेतृत्व जोगु गत 10 वर्ष मध्ये देशरे स्थिरता आसी, राजनीतिक स्थिरता सह नीति निर्धारण एवं विकास प्रक्रिया त्वरान्वित होईछि। अन्य पक्षरे इंडिमेंटरे मोदी विकल्प किए किए इंडिमेंटर नेतृत्व नेब बोली से प्रश्न करिछंती। जदि इंडिमेंट क्षमता को आसे सेमाने पाळी करी वर्षे लेखाएं क्षमता रे रहिबे बोली अमित शाह कटाक्ष करिछंती। देखिए, इस देश ने 3 दशक तक अस्थिरता की कीमत चुकाई है। 3 दशक तक अस्थिर सरकारें चली, निर्बल प्रधानमंत्री चले। 10 साल से देश को एक मजबूत नेतृत्व मिला है, स्थिरता मिली है। न केवल राजनीतिक स्थिरता, नीतियों के बारे में और विकास के कार्यक्रमों के बारे में भी स्थिरता मिली है। अब इंडी अलायंस अगर ये कहता है कि एक साल शरद पवार बनेंगे, एक साल ममता जी बनेगी, एक साल स्टालिन बनेंगे, कुछ बचेगा तो राहुल जी बन जाएंगे, इस तरह से देश नहीं चलता है। मैं देश की जनता को मनपूर्वक अपील करना चाहता हूं कि अगर कोई संभावना है ही नहीं, मगर अगर इंडी अलायंस को बहुमत मिलता है तो देश की जनता ये जरूर सोचे इसका प्रधानमंत्री कौन बनेगा। एक एक साल में प्रधानमंत्री ये कोई परचूरन की दुकान नहीं है जिसको अपनी हिस्सेदारी के हिसाब से चलाया जा सके। ये देश है, ये देश को दुनिया का नेतृत्व करना है। जदि आपण को आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।